ऐसा है कि एक मिनट के लिए ना आप मेरे साथ मिलके तसव्वुर कीजिए कि किसी पार्क में, किसी होटल में, वो इनसाइट है या ओपन एयर में है, मतलब गैदरिंग हमने इमेजिन करना है कि कुछ लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं आपके मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर या नेबर के घर में, 5, 6, 7, 8, 10 लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठे चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। अचानक से एक रिंगटोन बजती है, ठीक है, एक म्यूजिक सा बजता है। आपने भी देखा होगा कि अचानक वो सारे लोग जो पहले यानी चंद सेकंड पहले बातचीत कर रहे थे, खा पी रहे थे, एकदम से सारे अलर्ट होके इधर उधर देखने लग जाते हैं, किसका मोबाइल बजा है, किसका मोबाइल बजा है। होता है ना, ऐसा हर दिन होता है ना। और एकदम से यानी उस पर उस वक्त कोई मजहबी डिस्कशन हो रही है, किसी मतलब रिलीजियस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, या महंगाई की परेशानी शेयर की जा रही है, या जो यमी टेस्टी डिलीशियस चीज़ें खा पी रहे हैं उनकी तारीफ होने लगती है, या मेज़बान के सलीके तरीके, घर के खूबसूरती, नफासत और सफाई की बात हो रही हो, या बच्चों के रिश्तों के हवाले से बात हो रही हो, या दोस्तों का गिला शिकवा हो रहा हो, या उनसे मोहब्बत का इजहार हो रहा हो, या कोई रिश्तों नातों की बात हो रही हो, या मौसम पर डिस्कशन हो रही हो, या आती सर्दियों जाती गर्मियों में चीज़ों के रेट्स के का तकाबुल किया जा रहा हो, या एक दूसरे की खूबियों की तारीफ की जा रही हो, या कोई हुस्न खूबसूरती का जिक्र हो, कोई शेर व शायरी की बात हो, कोई मतलब किसी भी तरह की बात हो रही हो, तो जैसे वो म्यूजिक या वो बेल की आवाज़ आती है, हर बंदा कुछ सेकंड्स के लिए या एक दो मिनट के लिए, जब तक सॉर्ट ऑफ नहीं हो जाता कि किसका फोन बजा है, हर बंदा मतवज्जो हो जाता है। पहले अपना अगर जी ये पता भी हो कि ये रिंग टोन मेरे मोबाइल पे नहीं लगी हुई, फिर भी सबसे पहले तो अपना बैग, अपनी टेबल, अपने आगे देखते हैं कि मेरा मोबाइल नहीं बजा, अच्छा वो नहीं बजा, किसका बजा है, उसका बजा है, इसका बजा है, तुम्हारा बजा है, किसका बजा है, ये मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। राइट, आप एग्री करती है ना? यस, यू हैव टू एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई हर दिन ये चीज़ ऑब्जर्व भी करता है, एक्सपीरियंस भी करता है। मगर हमने कभी सोचा कि ये तो किसी यानी हम सारे इंसान होते हैं ना वहाँ पर जो जमा हुए होते हैं, 5, 8, 7, 10 जितने भी 12, तो उनमें से किसी का मोबाइल बजता है, यानी किसी के भी किसी कॉन्टेक्ट में से किसी एक नंबर से कॉल आती है और सब मुतवज्जो हो जाते हैं, जब तक पता नहीं चल जाता कि किसका मोबाइल बजा है। वो किसी न किसी इंसान की कॉल होती है जो किसी दूसरे इंसान के मोबाइल पर बजती है। एक और भी कॉल है जो दिन में 4 बार आती है, एक मैसेज आता है 5 मरतबा, मैंने 4 तो नहीं बोल दिया, मैंने देखा ना शैतान ऐसे मौकों पे जरूर पहुंचता है, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कभी कदम फिसल जाता है, कभी नजर फिसल जाती है, कभी दुपट्टा लुढ़क जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह, अगर फौरी तौर पर हमें एहसास हो जाता है हमारी गलती का, हमारी कोताही का, हमारी नज़रअंदाजी का, तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक कॉल आती है दिन में 5 मरतबा और कई लाउड स्पीकर्स बजते हैं, मगर होता क्या है कि हमारी जो डिस्कशंस चल रही होती हैं वो हुस्न व खूबसूरती पे हो, वो शायरी पे हो, वो टीवी ड्रामास पे हो, वो किसी मूवी पे हो, किसी साइंस फिक्शन पे आई हुई किसी किताब पे हो, वो मौसमों की तब्दीली पे हो, वो महंगाई का रोना हो, वो अपने अपने मलबूसात और जेवरात और हेयर स्टाइल्स और स्किन केयर एंड मतलब बेशुमार चीज़ें, गाड़ी नई ली है, मोबाइल चेंज किया है, कोई ज्वेलरी खरीदी है, बनाई है, गोल्ड इतना महंगा हो गया है, कपड़ों के ब्रांड्स किस किस पे सेल लगी है, बच्चों के लिए क्या हम कर रहे हैं, क्या हम मजीद करना चाहते हैं, हम मुतमईन हमें कि मुतमईन ही नहीं होते, कनात चीज़ को तो हम जानते ही नहीं, तो क्योंकि इतने टॉपिक्स होते हैं इम्पोर्टेंट कि वो जो 5 मरतबा मुअज्जन
हमारे दिल के दरवाजों पे दस्तक देता है, अल्लाह का पैगाम बता रहा होता है, आवाज लगा रहा होता है, हैया अलल फला, हैया अलल सला। हमारे कानों में वो आवाज नहीं आती क्योंकि हमारी डिस्कशन चलती रहती है, हमारी बातें रुकती ही नहीं है, हम चौंकते ही नहीं कि किसी ने सुना अजान की आवाज आई, कौन सी मस्जिद में हुई, कोई कंसर्न ही नहीं होता, बातें जारी और सारी रहती है क्योंकि जिंदगी का नहीं ना पता कि जिंदगी का तो एक लम्हे का नहीं कानून है कि उसके बाद है या नहीं है, वो अजाने तो होती रहेंगी ना, शायद हम ये सोचते हैं। और उसके बाद हम ये कहते हैं जब हम मसल्ले पे बैठ जाते हैं इत्तफाक से कभी नमाज पढ़ने, या हम कुरान पाक खोल लेते हैं क्योंकि फिर हमारी मुरादें और दुआएं भी तो होती है ना, हमें कारोबार में कामयाबियां भी चाहिए होती हैं, हमें औलादों की कामयाबियां भी चाहिए होती हैं, हमें उनके पैसा कमाने के सर्टिफिकेट्स पर ए ग्रेड्स भी चाहिए होते हैं, हमें अपने हमसायों और रिश्तेदारों से बेहतर घर भी चाहिए होते हैं, हमें अपनी जॉब्स में प्रमोशंस भी चाहिए होती हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। तो फिर हमें ज़ाहिर है क्या करें, अब किसी ने तो हमें कुछ नहीं ना देना, बंदा बंदे को क्या दे सकता है। तो फिर हमें अल्लाह से हमने मांगना होता है, हमने नवाफिल पढ़ने होते हैं, हमने तस्बीहात पढ़नी होती है इंटरनेट से देख के कि पैसा कैसे ज़्यादा आ सकता है, हासदों को कैसे और जलाया जा सकता है, शोहर को कैसे काबू किया जा सकता है, बीवी को कैसे पैर के नीचे रखा जा सकता है, नंदों को कैसे काबू करना है, भाभी को कैसे पछाड़ना है, बहू ने कैसे सास को कमान डालनी है और सास ने कैसे उसको अपने नरगे में दबा के रखना है, बहनों भाइयों ने एक दूसरे से कैसे मफादात हासिल करने हैं, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, कैसी साजिशें करके और पता नहीं क्या क्या करके तो खुद को बरतर साबित करना है, बंदा बशर है ना। तो फिर हमें जब उधर जाना पड़ता है तो फिर हम सारा कुछ करते हैं अपनी गरज के लिए, रिसाइटिंग करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, वज़ाइफ की तो तलाश में रहते हैं, और फिर उस वक्त हम जब हिल हिल के दुआएं मांगते हैं तो हम कहते हैं या अल्लाह जिंदगी में भी ये वो सब कुछ देना, बेतहाशा देना, और या अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब करना। कौन सा कलमा, किसका कलमा, वो जो दिन में 5 बार जिस कलमे वाले ने आवाज लगवाई उसकी आवाज पे तो हमारी बातें भी ना रुकी, हमारी चलती जुबानें भी ना थमी, हमारी समातें भी मतवज्जो ना हुई, हमारे दिल भी राग अपना हुए, हम चंद सेकंड्स के लिए रुक कर अजान की आवाज की तरफ मतवज्जो ना हुए, खामोश होके सुनना गवारा ना किया कि ये किसका पैगाम गूंज रहा है फिजाओं में। तो हम खामोश होकर बाअदब होकर, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा फर्ज है कि अल्लाह के इस पैगाम को खामोशी से सुने, चले वो अगली बात है कि तौफीकात की बात है, चॉइसेस की बात है, कर्म की बात है कि हमने नमाज पढ़, फर्ज है, माफी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ उसको एक साइड पे कर दीजिए, मगर हुक्म है कि जब अजान हो तो खामोश हो जाओ, खामोशी से अजान सुनो और मुअज्जिन के तमाम कलमात जो अजान के दौरान वो अदा करता है उसका जवाब दिया जाए और फिर अजान सुनकर दुआ की जाए। याद रखिए ये भी किसी बहुत मुजर्रब और बहुत बड़े वजीफे से और अमल से कम नहीं है अपने मुरादों के बराने के लिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।